सुन, मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा। मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉन वीटा। कैसा लगा? बहुत घटिया। द्रौपदी की साड़ी खींचना दुशासन को पड़ा भारी। द्रौपदी की साड़ी खींचना दुशासन को पड़ा भारी। साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी। वाह, क्या बात, वाह। वेल डन, माइंड ब्लोइंग, यू आर ए जीनियस। हे, आज से तुम हमारी कंपनी के नए क्रिएटिव डायरेक्टर हो। यस। बस कर आशीष, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे मुझे छोड़कर मत जा आशीष, मत जा। संभालो अपने आप को कानपुरी। अरे कैसे संभालू, मेरे दोस्त को पहला कैंसर हुआ है, मेरी समझ में नहीं आता ऐसे मौके पर मैं क्या बोलूं। देख, तू अंदर कुछ मत रख, जो भी है सब बाहर निकाल। ये धरती रो रही है, ये आसमान रो रहा है। कानपुरी। नहीं, ये धरती रो रही है, ये आसमान रो रहा है। आगे। नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है? चौके, मेरे मरने तक तू शायर जरूर बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, मतलब आई मीन सेकेंड ओपिनियन। देख, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, फैसला होने से पहले हम भला क्यों हार माने। जग अभी जीता नहीं है, तू अभी मरा नहीं है, विदेश चलते हैं, मैं चलूंगा तेरे साथ है। अमेरिका में न्यूयॉर्क, डिज्नीलैंड, लॉस वेगस, कैसीनो, ये सब जगह नहीं जाएंगे। अगर टाइम मिला तो जाएंगे, वरना तो हम इलाज करवाने जाएंगे ना। ये सब पैसे की बर्बादी है। देश से दूर जाऊंगा, लेकिन मौत से कहां दूर जाऊंगा। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, यह सब सुनकर मेरा दिमाग जाम हो गया है, मुझे जाम लगाने का मन कर रहा है। मैं यहां मर रहा हूं और तू मजे से ब्रेड पर जैम लगाकर खाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, जाम उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, वो फिर तू मेरे लिए भी एक पैक बनाना। अच्छा, ओके ओके। व्हिस्की विद हाफ पानी हाफ वाटर। इट्स ओके, समझ सकता हूं इस पोजीशन पे मेरे भाई। मैं अभी आया, बहुत जिम्मेदारी आ गई है अचानक। ये आशीष कैसे हो गया रे, तूने क्या बिगाड़ा था किसी का। तेरी मन करता है कि मैं भी चार पांच पैक मारकर बालकनी पर जाकर चीखूं चिल्लाऊं कि ऊपर वाले तू ये सब क्यों कर रहा है मेरे साथ। अरे ऊपर वाले मिस्टर देसाई क्या करेंगे, वो तो रिटायर्ड है। अबे ऊपर वाले मतलब भगवान, गॉड। तू भगवान का नाम मत ले, भरोसा उठ गया उसपे से मेरा। तेरे मरने के बाद मैं कैसे जीऊंगा, कौन मुझे चाइनीज खाना खिलाएगा, कौन हर फ्राइडे नई पिक्चर दिखाएगा, कौन उधार देगा, मेरा क्या होगा। तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ना रो, तेरी ये बेशुमार दौलत, ये आलीशान फ्लैट, ये जायदाद, ये सब मैं कैसे मैनेज करूंगा। तूने कैसे सोच लिया कि मेरे मरने के बाद ये सब तेरा है? मेरी बहन है, रानी है। ओह माय गॉड, क्या बीतेगी उस पर। रानी को तूने बताया? नहीं यार, मैं जानता हूं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तू सही कह रहा है, पिछले साल उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था जब उसने सुना था तेरा कुत्ता मर गया है। कानपुरी, मुझे पता है कि वो मुझे बहुत चाहती है। वो जीते जी मुझे छोड़ नहीं पाएगी और मरने के बाद भूल नहीं पाएगी। मुझे डर है कि कहीं मेरे लिए वो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। अरे जा जा इल्या! अरे तूने सोच भी कैसे लिया कि रानी जैसी लड़की, तू जैसे आवारा बदमाश शराबी कबाबी, क्या बकरे हो? अरे तू जैसे बच्चलन सेक्स के भूखे भेड़िए के लिए रानी अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी बे? अबे कानपुरी के बच्चे, तुझे मैं ऐसा आदमी लगता हूँ? लगते नहीं हो, लगो। हो नहीं, बनो। इतने बुरे आदमी बनो कि जिस गली से गुजरो सारी शरीफ लड़कियां अंदर चली जाएं और चालू लड़कियां बाहर आ जाएं, और ऐसे रंगीन कपड़े पहनकर जाना कि दुनिया के सारे डिजाइनर्स चकरा जाएं, ताकि रानी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, तुमसे नफरत करने लगे, तब तुम्हें भुला पाएगी वो। You're right. मैं खुद ही अपनी मोहब्बत का गला घोट दूंगा। मेरा गला तो छोड़। ग्रेट आइडिया कानपुरी।
हेलो हेलो सर, आर यू मिस्टर दलाल? नहीं सर, डी लाल। ओके, हम लोग अर्थी समाधि 12वां 13वां 14वां सब करवाते हैं। ये मेरा कार्ड है, वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस सर। मैं शायर कानपुरी जी, हमारी फोन पे बात हुई थी ना जी, कि किसी मरने वाले की याद में या एक समाधि चाहिए, क्यूट सी, छोटी सी। और छोटी सी क्यों सर, बनाई रहे हैं तो बड़ी सी बनवाइए। इंसान रोज रोज थोड़ी इधर आता है। वैसे खर्चा क्या आएगा समाधि का? सर यहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट का भाव चलता है। अगर आप 50 स्क्वायर फीट की बनवाओगे तो कम से कम 10 लाख के करीब खर्चा आएगा। 10 लाख? हाँ भैया, समाधि चाहिए, 1 बेडरूम हॉल का घर नहीं। सर एरिया भी तो देखिए, स्टेशन से नजदीक है, मेन रोड से नजदीक है। कल को ये शमशान तोड़ के यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है, मल्टीप्लेक्स बन सकता है। उस वक्त जमीन का क्या भाव होगा आपको अंदाजा नहीं है सर। इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सर, मरने वाले की लाइफ बन जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमें बजट का भी देखना होगा ना। जी जी वो तो है। एक काम करो, हाँ 25 स्क्वायर फुट का बना रहा। नहीं नहीं सर, 25 स्क्वायर फुट में मरने वाले को मजा नहीं आएगा, बहुत घुटन होगी। ये भी तो बात है जी। आई नीड माई स्पेस, मुझे खुली जगह चाहिए। आपको अपने लिए चाहिए? और नहीं तो क्या, इसके लिए थोड़ी ले रहा हूँ। अपने लिए बहुत टाइम है अभी। समाधि मैं खुद डिजाइन करके जाऊंगा। अच्छा। मरने के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। लीकेज रेनोवेशन, जैसी आपकी मर्जी सर। और सुनो, समाधि पे जो लिखना होता है ना, वो मैं सोचकर बताऊंगा। जैसे आप कहेंगे सर। चलो समाधि का तो हो गया। हाँ एक बात बताओ, मुर्दा जलाने के लिए ये लकड़ी तो अच्छी है ना? ऑफ कोर्स सर, आपको कैसी लकड़ी चाहिए, सादी या चंदन की लकड़ी? ऑफ कोर्स चंदन यार, आदमी कमाता है किस लिए? क्या रेट है चंदन का? 500 रुपीज पर किलो। 500 रुपीज पर किलो? मार जालोगे क्या? सर मरोगे तभी तो यहाँ आओगे। बात तो है। वैसे भी वीरप्पन साहब के जाने के बाद आजकल असली चंदन की लकड़ी मिलती कहाँ है? लेकिन चंदन की लकड़ी तो असली है ना? हाँ सर, आज तक मरने वालों में से किसी की कंप्लेंट नहीं आई। और घी मिलेगा ना? प्योर घी सर, कल उसी में से घर में लड्डू बनाए हैं, बोलो तो चखाओ। आप बिंदास होकर मर जाइए सर, हम आपकी अंतिम यात्रा को एकदम सुखद बना देंगे। मैंने बार में कई बार लोगों को पीते देखा है, पर इसे स्ट्रॉ से कभी नहीं देखा। 1 in a million। Cheers. Baby, you're a small baby. Hi, I'm Sanya. But I am Ashish. Because I am Kanpuri. Hot. Very hot. Forget me not. Bye. बताए कौन थी ये? इंटरनेशनल मॉडल सानिया, हमारी एजेंसी ने इसे भी साइन किया है। टाइम मैगजीन के कवर पे चमकी थी ये, अब तेरा भी टाइम चमकने वाला है। हलचल कर गई ना? कर गई। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, ऑफ कोर्स हम न होंगे, ऑलमोस्ट हम न होंगे, एट द मोस्ट हम न होंगे। कहाँ गया था तू? बाबा तेरे मरने के बाद चौथे पे प्रार्थना सभा के लिए हॉल बुक करवाने गया था। क्या? अरे तेरे मरने के बाद ऐसी श्रद्धांजलि दूंगा, आए हाय क्या श्रद्धांजलि है, कि सुन के तेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। अच्छा, अबे मरने के बाद मैं अपनी श्रद्धांजलि खुद कैसे सुनूंगा? मुझे पता था कि तू इन लॉजिकल सवाल पूछेगा, तो एडवांस में तेरे अप्रूवल के लिए मैं ड्राफ्ट तैयार करके लाया हूँ, तो सुन। हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, पीछे आवाज आ रही है? दोस्तों, आशीष खन्ना एक महान हस्ती थे। कैसा लगा? कमाल है। समाज उन्हें युगो युगो तक याद रखेगा। आप युगो युगो तक, बहुत ज्यादा हो रहा है। एक मिनट, एक युग कम कर दूं? नहीं चलेगा चलेगा। आशीष खन्ना अपने जीवन में कई बार जेल भी जा चुके हैं। अबे क्या बक रहे हो, जेल और मैं? आगे तो सुन, जेल मतलब
आजादी की लड़ाई में जैसे गांधी जी नेहरू जी गए थे वैसे। उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उस वक्त जो लोग जिंदा थे उनको तूने देखा है नहीं ना, तो वो थोड़ी आने वाले चेक करने। ढक्कन पकड़। पिछले 7 साल से मैं खुद क्रांतिकारी तात्या टोपे के नाम से रेलवे में फ्री सफर कर रहा हूँ। कुछ टीटी तो अपने पैर भी छूते, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। बिंदास छप जाने दे श्रद्धांजलि को। और अंत में समापन के तौर पे मैंने एक शेर भी लिखा है। दोस्तों, आत्मा उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना। आत्मा उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना। दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना, कुड़ियों को डाले दाना। तुझे पता है रानी हॉस्पिटल में है क्या? हाँ। कौन सी क्या? मैं तो एक ही रानी को जानता हूँ। हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। बॉम्बे हॉस्पिटल 3rd floor 4th room। कौन है बॉम्बे हॉस्पिटल में? ये इसकी भाभी। I'm sorry। और आपके आपके भाई? उसे कैंसर हुआ है। I'm so sorry। आपको भी वेरी सॉरी। मैंने कल टीवी न्यूज में सुना था, पुलिस आपके भाई को समाज का कैंसर समझती है। मेरे भाई को भी कैंसर हुआ है। हम दोनों एक ही थैली के चट्टे बटते हैं। प्लीज रोइए मत, प्लीज हौसला रखिए। रोना मत कानपुरी। सानिया तुम घर जाओ, मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। एक मिनट, आओ गले मिलकर रो ले। प्लीज सब ठीक हो जाएगा। रुकना मत। आशीष! अरे कानपुरी, तू अभी तक जिंदा है, साले मरेगा कब? अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। अरे खुशखबरी सुन, मुझे कैंसर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, डॉक्टर की बात सुनने में मुझे गलतफहमी हुई थी। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? तेरे को मरना तो पड़ेगा। मैं यहाँ पी पी के तेरे गम में अपनी जान गंवा रहा हूँ और तू कह रहा है मरना कैंसिल। अरे तुझे पता है कि मैं इतनी पीने लगा हूँ कि हिंदी में लोग मुझे देवदास और इंग्लिश में बेबड़ास पुकारने लगे। भले तू तो कैंसर से बच गया, लेकिन मैं तो लिवर फटने से मर जाऊंगा। नहीं नहीं, तुझे मरना पड़ेगा। सॉरी ये चीट। अरे हो तो मर, ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, अब तू एयरपोर्ट जा। 3:40 की फ्लाइट से देविका दीदी आ रही, 4 बार फोन आ चुका है, जा। ओह माय। अरे तू एक काम कर, दीदी को तू रिसीव कर और उन्हें सारी बात बताओ। मैं रानी से मिलने जा रहा हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। ठीक है ठीक है। साले मरेगा कहाँ?